नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर तहसील में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस में आज लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार पहुंचे। तहसील सरोजनी नगर का संपूर्ण समाधान दिवस आज जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में हुआ। जिलाधिकारी लखनऊ के साथ SDM सरोजनी नगर सचिन वर्मा, तहसीलदार आकृति श्रीवास्तव के अलावा पुलिस विभाग से DCP दक्षिणी केशव, ACP विनय द्विवेदी के अतिरिक्त अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय कर्मचारियों से कहा कि वह किसी भी शिकायत IGRS को बिना पीड़ित से मिले या ना मिल पा रहा हो तो फोन पर बात कर ले, तभी निस्तारित करें। शिकायतकर्ता की पूरी बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने कहा जो सरकारी जमीन कब्जे में है उसे खाली कराया जाएगा। सरोजनी नगर के कई ग्राम सभाओं की जमीन कब्जे की शिकायतें हैं जिन पर काम चल रहा है। अमिया अनुसार सारी कार्रवाई चलती रहेगी। इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? इसमें हर गांव में लेखपाल के लिए ये निर्देश दिया हुआ है कि जो भी सरकारी नियुक्ति करते हैं उनको यहाँ 1867 में तहसीलदार के यहाँ बात रजिस्टर होगा अगर कोई परमानेंट होता है, और अगर कोई अस्थायी रूप से किसी ने जाकर के खेती करना है तो वो तत्काल उसको होता है। सर, हम सरोजनी नगर में एक तालाब है, उस पर सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं, उसको टूटने का आदेश आ गया, उस पर क्या करेंगे? उसमें NGT के आदेश जो आए हैं उस पर अभी आगे की कार्रवाई चल रही है।